हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होता है जहां जीहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, आज उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही उसके पीछे गया था। स्कैंडल में एक ही बात सच है कि मैं आजम को लाइक करता हूँ। वहीं आजम ये न्यूज़ में देखकर सैड होती है और वो भागकर जीहन के पास जाती है, लेकिन वहाँ जीहन नहीं होता है। उसके बाद हम डोहान और ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे चांस दिए छुपाने के लिए, तुम किस टाइप के आदमी हो। तब डोहान शॉक होकर कहता है, इसका मतलब आपको पहले से ही मेरे बारे में पता था। तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुमको क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब डोहान उससे पूछता है, आपको कब पता चला। और वो याद करता है, मिनहुक ने उसे बताया था कि उसकी यूएसए की फ़ोटो किसने ग्रैंडपा को भेजा है। और ये याद करके डोहान ग्रैंडपा से कहता है, तो आपने ही यूएसए में मेरे पीछे लोगों को नज़र रखने के लिए रखा था, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब ग्रैंडपा कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मुझे ही तुम लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तब डोहान कहता है, लेकिन आपने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने क्यों नहीं दिया, मेरे वजह से जीहान और आजम के साथ ये सब हो रहा है। तब ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुमने अपना सीक्रेट बता भी दिया होता तो क्या तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाता। तुम फिर से सेल्फिश बन रहे हो और उन्हें एज अ एक्सक्यूज यूज़ कर रहे हो, तुम फिर से भाग रहे हो। तभी सेक्रेटरी किम आकर कहते हैं, जीहान यहाँ नहीं है। उसके बाद डोहान घर जाता है, वहाँ जीहान नहीं होता है लेकिन वहाँ आजम होती है। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं जहाँ आजम कहती है, अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी रो चुकी हूँ कि अब मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तब डोहान कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे वजह से हो रहा है। तब आजम कहती है, हम दोनों ने ही साथ में फेक मैरिज करने का प्लान किया था, जिसके वजह से अभी जीहान को सहना पड़ रहा है और साथ ही उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हें अगर जीहान कहीं कुछ भी पता चला तो मुझे बताना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आजम घर जाती है जहाँ उसकी मॉम कहती है, जीहान के साथ जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। तब आजम कहती है, आप जीहान के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो, जीहान बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तब मॉम कहती है, तुम अभी भी उसका साइड ले रही हो। तब आजम बताती है, मैं और डोहान रियल में फेक मैरिज करने वाले थे और फिर हम 3 साल बाद डिवोर्स ले लेते, ये सब करने के लिए डोहान मुझे पे करने वाला था। उसके बाद हम श्योंगा को देखते हैं जहां वो अपने डैड को कॉल में बताती है, ज़्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे तरफ है, आप चिंता मत कीजिए। कॉल कट करने के बाद श्योंगा एक पेनड्राइव चेक करती है जो उससे ग्रैंडपा के रूम से मिला था, जिसे देखकर श्योंगा शॉक हो जाती है। लेकिन उसने पेनड्राइव में क्या दिखा है वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद हम जीहान को एक जगह में देखते हैं जहां वो अपने पास आजम को इमेजिन करता है। आजम को याद करके वो सैड होता है, फिर वो अपनी और आजम की फ़ोटोज़ देखता है, साथ ही वो आजम के किए हुए मैसेज को भी देखता है। वहीं हम दूसरी तरफ आजम को बस में देखते हैं, तभी उसे बस स्टॉप में जीहान बैठा हुआ देखता है, जिससे वो बस से उतरकर वहां आती है, लेकिन जीहान वहां नहीं होता है, वो तो बस आजम ने इमेजिन किया था। वहीं आजम जीहान को बहुत मिस कर रही होती है, वो उसे बहुत सारे मैसेज भी करती है, तुम कहाँ हो बोलकर, लेकिन जीहान एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। उसके साथ उसके फ्रेंड भी होते हैं। तभी उससे सेक्रेटरी किम का कॉल आता है। उसके बाद हम आजम को ग्रैंडपा के साथ देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम डोहान से शादी कर लो, मैं बस यही चाहता हूँ ताकि डोहान का सीक्रेट सेफ रहे और उसे कंपनी मिल जाए। तब आजम कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब ग्रैंडपा कहते हैं, शायद डोहान ने तुम्हें नहीं बताया है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। तब आजम कहती है, मैं डोहान से शादी नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कीजिए, जीहान ने जो कुछ भी प्रेस में कहा था वो झूठ नहीं था, मैं जीहान को लाइक करती हूँ, अगर मैंने डोहान से शादी की तो जीहान का क्या। तब ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि डोहान अपना सीक्रेट रिवील करे। तब आजम कहती है, आप क्या कहना चाहते हो।
तब ग्रैंडपा कहते हैं, दोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सीक्रेट सबको बताने वाला था। दोहन और जीहान ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें ऐसे सब कुछ गिव अप करते हुए देखना चाहती हो? तब आजम उठकर कहती है, मैं आपसे और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और आजम वहाँ से चली जाती है। लेकिन आजम फिर से वापस आती है और वो कहती है, आपको लग रहा होगा कि ये सब आप उनके लिए कर रहे हैं, अगर आप ये उनके अच्छे के लिए कर रहे होते तो आप उनसे अच्छा बिहेव करते। क्या आपने कभी उनके साथ अच्छा बिहेव किया है? प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करिए। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब आजम जा रही थी तब वो देखती है दोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जहाँ वो बताता है जीहान ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो झूठ था, मैं फेक मैरिज करने वाला था, ऐसा मैं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को छुपाने के लिए कर रहा था और जीहान ने ऐसा इसे छुपाने के लिए झूठ कहा था। ये देखकर आर्जुन सैड होती है। के बाद हम श्योंगा और रिपोर्टर कांग को एक साथ देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर कांग उससे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम एलजी ग्रुप लेने वाली हो। तब श्योंगा थैंक यू कहती है और कहती है, लेकिन मैंने आपको इस बात के लिए मिलने नहीं बुलाया है। तब कांग पूछता है, तो क्या तुम्हें फुटेज मिल गया है? तब श्योंगा कहती है, ये बात नहीं है, मुझे एक बात जानने की क्यूरियसिटी है, तुम इतने डेस्परेट क्यों हो फुटेज ढूंढने के लिए? मैं जानना चाहती हूँ उस दिन क्या हुआ था। तब रिपोर्टर कांग उसे बताते हैं, तुम्हारे मॉम के एक्सीडेंट के दिन मैं तुम्हारे मॉम के बारे में जानने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे साथ और कोई भी था, वो तुम्हारे डैड थे। और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कांग और श्योंगा के डैड सॉय सुहोन का पीछा कर रहे थे। वहीं ग्रैंडपा शॉय को कॉल करके वापस घर आने कहते हैं। तब शॉय कहता है, अगर ऐसा किया तो वो हमारे हाथ से चली जाएगी। तब ग्रैंडपा उसे मना करके कॉल कट कर देते हैं। तब कांग पूछता है, क्या हम वापस चले? तब शॉय मना करता है और वो उसे गाड़ी का स्पीड बढ़ाने कहता है। तब कांग कहता है, उसके साथ उसका बच्चा भी है, ऐसा करना डेंजर होगा। तब शॉय कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो खुद ही गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाने लगता है, जिससे उनकी गाड़ी का सुहोन के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कांग कहता है, फुटेज में सिर्फ मेरी गाड़ी पकड़ी गई, जिससे मैंने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया और शॉय बच गया, लेकिन मुझे एक दूसरा फुटेज के बारे में पता चला, जिसके बारे में शॉय को भी पता नहीं था। मुझे लगता है वो ग्रैंडपा को मिल गया होगा। और यहाँ हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा को वो फुटेज मिलता है, जिसमें वो शॉय को देखते हैं, जो देखकर वो रोते हैं, लेकिन फिर वो अपनी फैमिली फ़ोटो को देखते हैं। कांग कहता है, उनकी सन इन लॉ ने उनकी बेटी को मारा था, तब भी उन्होंने बात को क्यों कवर अप किया पता नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ये जानकर श्योंगा की हालत बहुत ख़राब होती है और वो बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हम आजम को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो जीहान की कही हुई बात के बारे में ही सोच रही होती है, जो जीहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। फिर वो उठती है और वो शेयन को कॉल करती है। उसके बाद हम आजम को शेयन के साथ देखते हैं, जहाँ शेयन कहती है, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है दोहन और तुम्हारे बीच में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों फेक मैरिज करने वाले थे, अब तुम क्या करने वाली हो? तब आजम कहती है, मैं जीहान से मिलना चाहती हूँ और उसे खुद ही अपने से दूर जाने देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे वजह से सफ़र करे। लेकिन जीहान मेरा कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ना ही मुझे पता है वो कहाँ है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तब शेयन उसे एक जगह का नाम बताती है और कहती है, जब भी जीहान सेट होता है वो वहीं जाता है, लेकिन अभी वो वहाँ गया नहीं होगा। तब आजम पूछती है, क्या तुम्हारे अलावा और कोई है जिसे जीहान कहाँ है पता होगा? तब शेयन कहती है, तुम्हें पता होगा। उसके बाद हम जीहान को उसी जगह देखते हैं, जहाँ वो आजम के साथ गया था, और वो आजम को इमेजिन करता है, जहाँ आजम उसकी तरफ हाथ आगे करती है और अपने साथ चलने कहती है। तब जीहान कहता है, तुम आजम नहीं हो सकती हो, क्योंकि तुम आजम होती तो तुम अभी मुझ पर चिल्ला रही होती। तभी आजम चिल्लाकर उससे कहती है, जीहान क्या तुम मरना चाहते हो? तब जीहान पीछे मुड़ता है, तब वहाँ सच में आजम होती है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे।
तब आजम पूछती है, तुम कैसे हो? तब जीहान कहता है, मैं थोड़ा वॉक करता हूँ और सोता हूँ, तुम कैसे हो? तब आजम कहती है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। तभी जीहान उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आजम उससे कहती है, क्या हम वॉक करने चले? उसके बाद वो दोनों वॉक करते हैं। तब जीहान उससे पूछता है, क्या तुम फायर वॉक करना चाहती हो? तब आजम हाँ कहती है। उसके बाद वो दोनों समुंदर के पास बैठकर फायरवर्क जलाते हैं। जलाकर होने के बाद जीहान उससे कहता है, ये हमारे साथ में लास्ट फायरवर्क थी। तब आजम कहती है, तुमने सही कहा। उसके बाद वो दोनों जा रहे थे। तब आजम उससे कहती है, तुम जब मुझे बिना बताए छोड़कर चले गए थे, तब तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ। अब मैं इसलिए गिव अप करना चाहती हूँ। और क्या तुम्हें दोहन के बारे में पता चला? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सीक्रेट के बारे में सबको बता दिया है। तब जीहान हाँ कहता है। तब आजम कहती है, उसने ऐसा हम दोनों के वजह से किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, और मैं अब और सफ़र नहीं करना चाहती हूँ, हमें अपने अपने रास्ते में जाना चाहिए। तब जीहान कहता है, तुमने सही कहा। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, तुम हमेशा खुश रहो। और आजम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीहान अपने मॉम से मिलने जाता है, जहाँ ग्रैंडपा पहले से ही होते हैं। फिर वो दोनों बात करते हैं, जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, आज भी पिछले साल के तरह ही बारिश हो रही है, लेकिन बाकी सब कुछ अलग है। दोहन कैसा है? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? वो अपनी मॉम को देखने क्यों नहीं आया है? तब जीहान कहता है, क्योंकि आपको उसके और आजम के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। तब ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब जीहान कहता है, अगर उस दिन मॉम की डेथ मेरे वजह से नहीं हुई होती तो आज सब कुछ अलग होता। तब ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने सूह्योन के केस को इसलिए कवर अप किया क्योंकि मैं खुद बहुत गिल्ट था, और आज भी हूँ क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा सूह्योन को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें सूह्योन की गाड़ी मिलती है और सूह्योन को बचाने की कोशिश करते हैं। तब सूह्योन उनसे कहते हैं, आप प्लीज़ जीहान को बचाइए। तब ग्रैंडपा जीहान को जैसे तैसे बचाकर बाहर लेकर आते हैं। तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, आज भी मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन एक बात का रिग्रेट मुझे नहीं है कि उस दिन मैंने तुम्हें बचाया। मैंने तुम्हें पूरी लाइफ इग्नोर किया, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता था मुझे तुम्हारी मॉम की याद आती थी, और मैं उसके साथ जो किया था वो याद आता है। इसलिए मैं उस दिन जो हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जीहान मॉम से मिलकर जा रहा था, तभी बाहर वो आजम को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।